कैसा लगा आंटी यहाँ पे? गुरु सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु महाराज की जय। कैसा लगा यहाँ पे? कैसा लगा यहाँ पे? कैसा लगा आपको बताओ, एक्सपीरियंस बताओ। हाँ एक्सपीरियंस बताओ। अच्छा लगा, घोड़े चले आ रहे हैं, कब से जाए जाए गुरु महाराज के दर्शन हो गए, इससे क्या सपनों में भी नहीं सोचा था इतने कि हम आ जाएंगे यहाँ। आज के दरबार में गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा के प्रेरणानुसार प्रथम अर्जी के रूप में अन्न अन्न जो अर्जी के रूप में गुरुदेव भगवान की आज्ञा लगी है, उस क्रमानुसार हमको पहली आज्ञा गुरु जी की यहाँ सामने में बबलू नाम की अर्जी यहाँ पर स्वीकार हुई है। बबलू नाम की अर्जी, बबलू नाम के भैया विराजमान हैं, आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार। दूसरी अर्जी राम, दोनों हाथ उठाओ, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। आ जाओ, मैंने आने का रास्ता दिया जाए। राम गुरु जी सीताराम, ये लाल साड़ी वाली आ जाओ। इस तरफ बैठान से जाना जो कर। राम गुरु जी, ओ गुरु जी। चलो बहन जी तुम भी आ जाओ, जगह नहीं है, बैठ जाओ, बैठ बैठ देख लिया का कहो चाहिए। राम राम जपो मन में, जिनकी आज्ञा लगनी होगी बोलो। वृद्ध माता जी चश्मा लगाए हाथ जोड़े बैठी हैं। जी 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 माता जी आ जाए, बहुत बढ़िया। ये जो आगे वाली हैं, जो बैग टांगे हुए हैं आगे वाली, इनको आने दो, आप बैठ जाओ। हाँ आप आ जाओ। मैं राम राम, देखो भाई कोई उल्टा आदमी मत आ जाना कि दूसरे का पर्चा दूसरे को मिल जाए। जय जय सिया राम, और गुरुदेव राम राम। हाँ ठीक, मोटू आओ तो। हाँ हाँ, ये शर्ट वाला है ना जो, हाँ वो खड़ा हुआ चले आ रहे हैं, भारी मोटा। राम सीताराम, सीताराम प्रभु जी। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। घर में ना गए? हाँ ठीक, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, प्राण खाओ। पोटली वाले भाई साहब को और इनको, हाँ हाँ हाँ, ठेला वाले को आने देना। गुरु जी राम, चलो बेटी चश्मा लगाए बिटिया बेटी। जो भी शामिल हो, आप जो कुर्सी पर विराजमान, आपके साथ कौन है? माता जी बैठी। हाँ साथ वाले आ जाओ, उन्हें बैठने देना, आ जाइए। प्रभु से प्रार्थना करो आपकी अर्जी स्वीकार। श्री राम जय राम, इन्हें प्रवेश कराइए। बोलो बागेश्वर बालाजी की, गौ माता की। छोटा बालक लिए खड़े आपके बगल में जो हाथ जोड़े खड़े हैं, इनको भेज दीजिए। हाँ हाँ हाफ टी शर्ट, जी जी जिन्होंने हाथ दिया, यस। बैठते जाओ, रोना नहीं है, भजन करना। प्रभु की कृपा, देखो कितनी कृपा है, हजारों लोगों में आपको बालाजी बुलवा रहे, ये सन्यासी बाबा की कृपा है, उन्हीं से प्रार्थना करो बालाजी। हमें तो उनकी जिन वो जिनकी हमें प्रेरणा देते, हमारी मजबूरी है मिलना, हम मिलेंगे। सीताराम बोलो,
सीताराम। इस रोड के क्रम में जो खड़े हैं, खड़े रहे जा। इस क्रम में एक बालक विजय नाम का खड़ा हुआ है। हाँ, इसी रोड के। हाँ हाँ हाँ, आ जाइए विजय जी, आपकी अर्जी लग गई। हाँ आ गया। राम, ये माता जी को भी आने दीजिए, बालक चश्मा लगाए पीछे। हाँ हाँ हाँ, जिन्होंने अभी हाथ, आइए दोनों, ले आइए माता जी, ये बहुत भक्तनी है, इन्होंने घर पे भी अर्जी लगाई थी। हाँ हाँ हाँ, आने दीजिए आने, क्योंकि इन्हें बैठने में भी बड़ी दिक्कत है। राम, सीतारा, बिटिया तू आ जा। हाँ आ जा, आ जा बेटी, साथ में जो भी हो ले आ। चलो पहली अर्जी भेजी जाए हमारे पास। अर्जी करनी होगी तभी पर्चे के काम सफल होंगे। ठीक है राम, पहली बार है ना? अच्छा ठीक, आप पर्चा भी कोई लेकर आए हो? आप अपने पर्चे में प्रश्न लिखकर लाए हो? पढ़ लिया, खोल लो पर्चा। आओ नजदीक, इधर आओ, बकरी में यहाँ पड़े आओ, अच्छे से बैठ, पालथी मार, अच्छे से बैठ, बोलो। ये बात है ठीक है, और पूछो पूछो। बाबा पहली बार तुम आए, और बोलो। हमारा जमीन एक है जो नहीं बिक रहा बहुत सालों से। एक और टोटल तीन प्रश्न का घुटने का। ठीक है, देखिए ऐसा लिखा पर्चे में, पांच तीर के निशान लगा करके प्रश्न लिख कर लाए। सही बताए बाबा। ये तुम्हारे हमने इसलिए बताया क्योंकि तुम बहुत होशियार बनते थे, तुम्हें लगता था कि हमारा पर्चा पढ़ के बताए तब हम माने के ठगरी के बारे में। हम तुम्हारी इलू इलू भी पढ़ सकते। क्या पढ़ाई की तुमने? ठन ठन गोपाला हो गई, कोई काम नहीं आई पड़ा। आई है काम? बहुत होशियार बनकर आए थे, बोलो हाँ या ना। सही बाबा, सही बाबा। आए थे, अब हम कहो तो तुम्हारे कांड खोल। आओ हाँ, कुछ बात है। राम राम राम, साधु जी बिटिया का कोई प्रश्न है? है आपकी बहन इनकी बिटिया, प्रश्न इन्होंने ही लिखवाए हैं, आपने थोड़ी लिखे, आपने लिखे हैं लिखवाए इनके हैं। क्या चाहते सन्यासी बाबा की जय हो।
आज यहाँ तो।